गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का मैथ पढ़ेंगे 2.1। तो भाई क्या पूछ रहे हो, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। हम पहले छोटी क्लास में छोटे वर्ड सीखते थे कि जैसे कि पहले कोई संख्या क्या आती है, फिर कोई बाद में क्या संख्या आती है। जैसे कि मान लो 5 है, 5 के पहले क्या आती है 4, और 5 के बाद क्या आती है 6। अब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में हमें कुछ जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या मतलब ये दी गई है, तो इसके आफ्टर आफ्टर बोला है, तो आफ्टर मतलब बाद में, तो 10999। अब बाद में करना, जो कोई संख्या हमें बाद में करनी होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 1 करना पड़ता है। जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बाद में कौन संख्या आएगी। तो क्या वहाँ प्लस किए तो 9 और 10 हासिल, 0 है यहाँ पे हासिल ले लिया, कितना हो गया यहाँ पे 1 और 1। यहाँ पे कितना पूछा है, 3 नेचुरल नंबर, तो 3 यहाँ पे हमें पहला हमारा पहला ही निकला हुआ है। अब सेकेंड निकालना है, फिर हमें इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे फिर 1 प्लस करेंगे, तो 1 1 0 1 0 0 1 1, ये क्या हो गई हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इसमें क्या करना है, फिर 1 प्लस करना है, तो क्या आएगा 1 1 2 0 0 1 1। तो क्या हो गया, हमारी पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई, और तीसरी ये आ गई। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 3 नेचुरल नंबर हमारा निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर ऑस्किडिंग जस्ट बिफोर 1001। बिफोर बोला है मतलब क्या है, हमें पहले पूछा है इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, तो हमें क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। जब आफ्टर पूछे तो प्लस, और बिफोर पूछे तो माइनस, तो यहाँ पे 1001 लिखा है। और कितना पूछा है, 3 होल नंबर पूछे हैं, तो हमें यहाँ पे माइनस 1 करना है, तो 0001। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 0 और ये 0 और यहाँ 1 का 1। अब इसमें से क्या करना है, हमें फिर माइनस 1 करना है, क्योंकि 3 टाइम ले जाना है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, तो क्या करना है, यहाँ पे हाँ से लेगा, तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गए, तो 9 9 9, और क्या हुआ यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे हमें 1 माइनस करना है, तो 9 में से 1 गए 8 9 9 9। इस तरह से हमारा 3 क्या निकला, 3 नंबर्स निकल गए। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है, तो 0 क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होती है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर आर 3 बिटवीन द 32 एंड 53। मतलब पूछा है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल्स नंबर आते हैं, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हमें कितना निकाला होल नंबर, तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 53 माइनस 32 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 क्या होता है, वो एक नंबर होता है, किसी भी संख्या में घटा माइनस करके हमें होल नंबर निकाल सकते हैं। तो 53 और 32 फिर माइनस 1 करेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो 20 क्या होता है, इन दोनों के बीच में 20 नंबर क्या हमारा होल नंबर है। फाइव क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर्स ऑफ, मतलब इन जो यहाँ नंबर दिए गए हैं इनके क्या आफ्टर कौन से नंबर आते हैं वो फाइंड हमें करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, जैसे कि 2 4 4 0 7 0 1। सक्सेसर मतलब होता है कि बाद में आने वाली संख्या, जब कोई संख्या बाद में आती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 1 करना पड़ता है। तो हमें मालूम पड़ जाएगा इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 1 1 2 0 7 0 4 4 2, यह संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 1 0 0 1 9 9, इसमें भी हम प्लस 1 करेंगे, तो 9 1 10 9 1 10, 1 और 2 0 0 1, ये क्या हो गई, बाद में संख्या हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 0
9, 9, 9, 9, 9 और 9 419 है। इसके बाद में कौन संख्या आएगी तो प्लस हम यहाँ पे 1 करेंगे तो 9 × 10, 9 × 10, 9 और 10, 9 और 10, 9 और 10 1 का 1 और ये यहाँ से यहाँ पे 1, तो ये हमारी संख्या हो गई फोर्थ। क्या संख्या हमारी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। इसमें भी क्या करना है, आप बाद की संख्या पूछा है तो यहाँ पे हम प्लस 1 करेंगे तो 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये हमारी कौन संख्या हो गई, बाद में आने वाली संख्या हो गई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द प्रेडिक्टर्स ऑफ, मतलब क्या होता है हमें 94 के पीछे पहले क्या आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे 94 दिया है, अब पहले की संख्या पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया 93। 1000 10000 है, इसमें हम माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 9999। यहाँ पे क्या है 208090, यहाँ पे हमें माइनस 1 करना है तो क्या आएगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो वहाँ से लेंगे तो यहाँ पे बन गया 10, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ पे 80802। अब हमारा डी नंबर क्या दिया हमारा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा तो माइनस 1 किए तो 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या हो गई हमारी संख्या हो गई। अब यहाँ पे पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे कुछ पेयर नंबर्स दिए गए हैं, स्टेट विच इज़ द होल नंबर इज द वन लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर इज ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे एक नंबर क्या करना, जो ऑड होल नंबर है उसको लेफ्ट करना है और जो नंबर बचेंगे उसमें से कौन सा वो बड़ा है और कौन सा छोटा है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो हम इसको जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, तो यहाँ पे लिखा 530 और 503। अब इसमें कैसे लिख सकते हैं, एक नंबर हमें जो फुल नंबर को लेफ्ट करना है तो इसमें लिख सकते हैं 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। इसको हम ऐसे लिखेंगे 503 और 530, कौन सा बड़ा है इसमें तो ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन 370307, इसमें से कौन सा ऑड नंबर है यहाँ पे है, यहाँ पे 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 इक्वल टू 307 370। थर्ड नंबर क्या पूछा है 9, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें हम कैसे लिख कर यहाँ लिख सकते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 9, 8, 7, 6, 5 इक्वल टू तो 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5। फोर्थ नंबर 9, 8, 3, 0, 1, 4, 5 और 1, 0, 2, 3, 0, 0, 1, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 9, 8, 3, 0, 1, 4, 5 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 9, 8, 3, 0, 4, 1, 5
10023001। ये क्या हो गया हमारा 7 नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे देखिए 8वां नंबर, आगे क्या पूछ रहा है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू और विच इज़ द फॉलो, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो 0 इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 क्या होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो फॉल्स 1 होता है। बी 400 इज द प्रेडिक्टर्स ऑफ 399, तो यहाँ पे जो 399 के 400 के 400 इज द प्रेडिक्टर्स ऑफ 399, तो 400 के पहले ये आता है तो ट्रू। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599 तो यहाँ पे ट्रू आएगा। और ऑल नेचुरल नंबर आर द ऑल द होल नंबर तो इसका क्या होगा ट्रू। ऑल होल नंबर आर द नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। द प्रेडिक्टर्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ए नेवर इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो सभी जो नंबर होते हैं प्रेडिक्टर्स नंबर होते हैं क्या सिंगल नंबर्स में आते हैं हमेशा, तो फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो नहीं फॉल्स होगा। द नेचुरल नंबर 1 हैज अ प्रेडिक्टर्स तो क्या आएगा ट्रू। द होल नंबर इज हैज नो प्रेडिक्टर्स तो फॉल्स। द होल नंबर इज 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12 तो क्या आएगा फॉल्स। और यहाँ पे द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिक्टर्स, यहाँ पे 0 के पहले भी कोई संख्या आती नहीं है। तो अब यहाँ पे 30 नंबर, द सक्सेसर्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज टू डिजिट नंबर तो क्या होता है फॉल्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमने क्या देखा, जो पहले जैसे कोई संख्या दी गई है उसके पहले क्या आता है और उसे क्या आता है बाद में क्या आता है, वो पूरे यहाँ चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा है। ये चैप्टर हमारा क्या होता है ख़त्म यहाँ पे।